बात बता रहे हैं कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। जम्मू एवं कश्मीर में लागू अनुच्छेद 35A को हटाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की घाटी की यात्रा से लौटने के दो दिन बाद केंद्र ने राज्य में 10,000 अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात करने का फैसला किया है। NDTV की रिपोर्ट्स के अनुसार डोभाल ने अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान राज्य प्रशासन, पुलिस, अर्धसैनिक बलों, सेना, राज्य और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। इस बड़ी आकस्मिक योजना में हर प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखा जा रहा है। कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसे काम करेगी, खुलकर सामने रहने वालों से लेकर भूमिगत रहने वाले अलगाववादी कैडर के प्रतिक्रिया और मुख्यधारा के राजनीतिक नेतृत्व की प्रतिक्रिया भी इसमें शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया कि यह स्पष्ट है कि इस अवसर के लिए कोई भी संभावना नहीं छोड़ी जा रही है। आदेश स्पष्ट प्रतीत होते हैं अनुच्छेद 35A के उन्मूलन का विरोध करने के लिए एक सार्वजनिक आक्रोश की आड़ में हिंसा और राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा शांति को बाधित करने का प्रयास हो सकता है। इसे नियंत्रित किया जाएगा ताकि आम आदमी को कम से कम असुविधा हो। अनुच्छेद 35A के उन्मूलन के बाद बिगड़ रही कानून व्यवस्था से निपटने के लिए पूरे ऑपरेशन को नाम भी दे दिया गया है। घाटी में पिछले 3 दिनों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अतिरिक्त कंपनियों का आना भी शुरू हो गया है। CAPF को ले जाने वाले विशेष विमान पिछले 3 दिनों के दौरान श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरे हैं, जबकि इन बलों के अतिरिक्त कंपनियों को ले जाने वाले काफिले जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से घाटी में पहुँच रहे हैं। वर्तमान में घाटी में चल रही अमरनाथ यात्रा एवं अन्य सुरक्षा कारणों से CAPF की 450 कंपनियों में शामिल 40,000 सैनिक पहले से ही तैनात है। इन संख्या में काउंटर एजेंसी राष्ट्रीय राइफल्स की ताकत शामिल नहीं है, जो हिंडलैंड में आतंकवाद रोधी अभियानों को अंजाम देती है और कठिन परिस्थितियों में राज्य पुलिस और CAPF को सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हालांकि एक आदेश जारी करते हुए कहा कि सेना काउंटर इंसर्जेंट ग्रिड को मजबूत करने और घाटी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होगी। हालातों को देखते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर से 35A हटाना बारूद के ढेर में आग लगाने जैसा होगा, पूरा शरीर जल कर राख हो जाएगा। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नौकरशाह अफवाह फैला रहे हैं और लोगों को राशन, दवाइयां व वाहनों के लिए ईंधन जुटाने को कहा जा रहा है, क्योंकि अनिश्चितता का एक लंबा दौर आने की बात कही जा रही है। लोगों को डराया जा रहा है कि दवा और राशन जोड़ कर रख लें।